यही मामले को तो बड़ा करके वो सत्ता में आई हुई है। तो अब वो मामला जो इंसिडेंट हुआ था तब यही मामले को वो उन्होंने बड़ा किया था, तब उनको नहीं दिखता था कि पूरे विश्व के लोग ये देख रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से और जो आज इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो एक भी इंसिडेंट कोई भी जगह पे होता है वर्ल्ड के तो तुरंत ही पता चल जाता है, तो वो उनको उस टाइम पे पता नहीं चलता था। आज वो बोलने में उनकी करनी और कथनी दोनों में फर्क दिखाई देता है। पूरे 17 दिन में पूरे इंडिया की पब्लिक को पता चल गया कि ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। आज निहाल चंद जैसे जो उनके वहां मिनिस्टर है जो रेप केस में इन्वॉल्व है, तो उनका बोलने का और करने का जो ढांचा है वो पता चल जाता है कि वो आज बोलते हैं वो करते नहीं, वो करते हैं वो बोलते नहीं। तो राहुल गांधी ने भी तो बयान दिया है ना। हाँ, उन्होंने तो बयान दिया जाते हैं उस सिलसिले में है कि आज लोग जो धर्म की आड़ में जो ऐसे करते हैं काम, तो उनके उनका ये सिलसिला जैसे मुख में राम और बगल में छुरी ऐसी बात हुई, वो जो लोग करते हैं उनके लिए है, जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं दिया स्टेटमेंट, ये उन्होंने स्पेसिफिक दिया है स्टेटमेंट। जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ उसको आपका जो है स्पेसिफिक है और जो अरुण जेटली का है वो एक नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक दिया, उन्होंने जनरल ये बात की थी कि आज वो जो लोग है रेप इंसिडेंट कैसे होता है, आप कोई अज्ञात लड़की के साथ तो होता नहीं, जो ज्यादातर रेप के इंसिडेंट हुए हो जो लोग जो जो जानते हैं किसी को पहचान वाले होते हैं वहां से उनसे ज्यादा होते हैं। जी, तो ऐसा कहना चाहिए ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंदिरों में भी जाते हैं, खराब किस्म के लोग होते हैं, आप सभी मंदिरों में जाने वाले लोगों को ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, मंदिरों में सभी मंदिरों में जाने वाले के नहीं बोला, जो लागू होता है जिन पे लागू हुआ वही है। ठीक है ठीक है, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं अरुण जेटली जी की कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार हरेश मोतियानी जी भी मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। हमारे पीएम अपील करते हैं चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी कि रेप पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ना करें, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, कहते हैं कि वह छोटी घटना है और उनके ना तो बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और ना ही कुछ अलग मतलब निकालने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक शर्मजनक बात है जी कि ऐसी बात को लेके जो उछाला जाता है जी, भले फिर वो टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी या कांग्रेस पावर में थी, आज कांग्रेस ऑपोजिशन में तो नहीं है पर जो भी है जिस स्थिति में भी है जी, अगर ये चर्चा करते हैं तो गलत है। पहले तो वो कार्य ही गलत है, शर्मजनक है, और उसके ऊपर अगर चर्चा करते हैं डीप में जाके तो वो कुछ और ज्यादा ही शर्मजनक है। तो मैं इस बात को लेके तो मैं ऐसे कहूंगा कि हो सके तो इसको टोटली सेंसर हो जाना चाहिए, और जो भी व्यक्ति अगर प्रूव होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो मतलब ऐसे में ये बात समझ में नहीं आती है हमें कि जिस तरीके से पीएम अपील करते हैं, उनके एक आरोपी मंत्री भी हैं रेप के आरोपी निहाल चंद, साथ ही साथ पीएम अपील करते हैं कि ऐसी बात कहें नहीं, और ये ऐसी बात कह देते हैं जिसको कहने की भी जरूरत नहीं होती, कह देते हैं और कहते हैं बहुत छोटा मामला है। खालिद, तो कहीं खालिद जहां तक आरोपी की बात है, ओके, वहां पे कुछ कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, पर उसको एक मिनिस्टर का होद्दा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर आरोपी है तो आप कोई भी एक पब्लिक फिगर या पब्लिक स्टेटस के लिए आप लायक तो नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, और उसके बावजूद अगर वहां की पब्लिक ने उसको वोट करके ऊपर लाके रखा है तो वहां पे एक डबल ओपिनियन आता है, ठीक है, तो उस बेस पे अपन चर्चा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और आप कहीं बैठे हो तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। नो डाउट जीप में कोई हड्डी नहीं होती है कि जिस चाहो जिस जगह जाओ उस जगह मुड़ जाती है। हो सकता है कि शायद ये ओवरबर्डन होंगे और इनके यहां से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा और उसमें बोल दिया, जो उन्होंने बाद में पछतावा मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ मैंने गलत बोल दिया है कि ये बात को मेरे को नहीं करना चाहिए, गलत बयान का मतलब निकाला गया ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बयान का गलत बयान का मतलब तो नहीं है। देखो मतलब तो बिल्कुल सही है, उन्होंने वही कहा है कि अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ 16 दिसंबर, यानी कोई गलत मतलब तो मीडिया ने निकाला है ना, मतलब ये इंग्लिश वाक्य का क्लियर कट मतलब यही है कि आप इस इंसिडेंट को बहुत छोटा मानते हो। जी जी, कोई भी इंसिडेंट बलात्कार को लेकर कोई भी गुनाह हो, सिर्फ बलात्कार की बात कहां आ रही, कोई भी इंसिडेंट अगर ऐसा हो वो छोटा कभी नहीं होता, अगर गुनाह है तो गुनाह है, इसको छोटा महिलाओं के साथ अस्मिता की महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है और मंत्री को ये छोटा इंसिडेंट लगता है, ये छोटा इंसिडेंट बात है, बहुत ही ये शर्मजनक बात है, बिल्कुल शर्मजनक बात है। और बलात्कार की बात करना, मैं तो ऐसे कहूंगा कि मर्द के लिए अगर कोई इंसान अपने आप को मर्द बोलता है तो वो मर्द नहीं है। जी, बहुत सही बोल रहे हैं। 33,707 बलात्कार की घटनाएं 2013 में,
दर्ज की गई हैं पूरे हिंदुस्तान में, और 16 यानी 1636 घटनाएं केवल दिल्ली में दर्ज की गई हैं 2013 के दौरान। हमारे साथ समाज सेविका एनजीओ से जुड़ी हुई हैं रुझान जी मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे इस तरह के बयान जो महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हैं, महिलाओं को यह साबित करते हैं कि आप गलत हैं, इस तरह के बयान ऐसे मंत्री देते हैं जो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और उनके जो सुपीरियर हैं, हमारे जो सुपीरियर हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं ऐसे बयान मत दीजिए, बावजूद इसके जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी ऐसे बयान देते हैं, क्या मतलब निकाला जाए ऐसे मंत्रियों के बयानों का? सबसे पहले जब मैंने ये सुना, यहीं पे सुना, तो मेरे को बहुत अटैक आया, क्योंकि मेरे को मिस्टर जेटली के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, ही इज अ लर्नेड एंड अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, आई एम श्योर उनको भी बहनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुन के मुझे भी लगा कि अटैक आया कि ये क्या सर बोल रहे हैं, और अभी ये सर बता रहे थे कि वो प्रेशर में बोल रहे हैं, सो आई वुड ऑल्सो नॉट अग्री, बिकॉज अननेसेसरी ट्राइंग टू डिफेंड हिम, क्योंकि ऐसे मैं आपके टाइम पे बोली हूँ, नहीं बोली हूँ ना सर, तो मुझे बोलने दीजिए ना, तो अननेसेसरीली डिफेंड करने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक इतना सीनियर आदमी, ही इज नॉट अ नॉविस, उसके लिए ऐसा ऐसे और कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज ही हैड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स विद हिम, ही वाज सेइंग विद सम फैक्टर्स एंड ही वाज क्लियर कि स्मॉल इंसिडेंट, उन्हें 16 दिसंबर नहीं बोला है, स्मॉल इंसिडेंट इन दिल्ली बोला है, इसलिए बट नेचुरल हमने सोचा वही इंसिडेंट है, बट नेचुरल है, तो वो इंसिडेंट अगर वो कह रहे हैं और उसके कारण दिल्ली की टूरिज्म कम हुई, तो इट वॉज अ वेरी, आई मीन बहुत निंदनीय स्टेटमेंट था, पॉइंट नंबर वन। सेकंड, अगेन एज यूजुअल जो अभी हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं दोनों साइड से, कि पॉलिटिक्स हो रही है, हमेशा हमारी बहनों आर एट लॉस। दूसरी बात कि हमारा, आपने बोला हमारे पीएम की मैक्सिमम फैन फॉलोइंग, मैक्सिमम वोट्स उनको बहनों से मिलते हैं, वो उनको भी पता है, हमारे पीएम सर को भी पता है, सो आई अप्रिशिएट कि वो हमेशा बोलते हैं वो उन्हें, लेकिन एक चीज भी थी कि हमारे बहनों के लिए पीएम सर ने कभी भी वो आड़े वाले स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने उसके फॉर में तो स्टेटमेंट नहीं दिया, अगर देखा जाए तो, अगर बहुत सब ये सब गंभीर सवाल उठा रही है आपकी, कभी भी उन्होंने ऐसे बयान करने वाले की निंदा नहीं की, देने से क्या होता है सर, जनरल सर ये बहुत खराब है, करप्शन खराब है, जनरल सर बहुत स्टेप्स हैव यू टेकन, अगर हमने, अगर मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि हमने अगर पहले लास्ट गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ निर्भया फंड के लिए डाले थे, उस फंड को इस बजट में तो वो पता नहीं कहां चला गया, और उसके बाद भी कुछ काम तो अभी दिख ही नहीं रहा है ना, अगर आप लेट्स से 100 डेज बोल रहे हो गवर्नमेंट, आई थिंक न्यू गवर्नमेंट के 100 डेज होंगे, तो व्हाट आर द कॉन्क्रीट स्टेप्स टेकन फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमन इन इंडिया, सिर्फ भाषण से राशन देने का काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेरे को ये कहना है कि ये दोनों पार्टियां या सारी पॉलिटिकल यूपीए एसपी यूपीए एनडीए सब मिलकर पॉलिटिक्स करती है, अल्टीमेटली सहन हमारी बहनों को करना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं इसके शिकार महिलाएं होती हैं, और क्या, हम लोग तो सॉफ्ट है, हम लोग तो इमोशनल है, तो ये जब लोग वोट मांगना है इमोशनल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, हम लोग वहाँ चांद पहले दिखाते हैं, ऐसे भाषणों को भी सुनकर ज्यादातर महिलाएं इमोशनल हो जाती है, हमारे लिए बहुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की बात हो रही है, इमोशनल होकर यही हमारे भाई है, यही हमारे सब कुछ है। चलिए चलिए ठीक है, आपसे बात जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आप ही के साथ चर्चा को जारी रखेंगे।